भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे T20 में आया राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल का तूफान, जिसके आगे ढेर हो गए सभी न्यूजीलैंड के बॉलर्स। क्या है पूरी क्रिकेट रिपोर्ट आगे बताएंगे इस सब वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। इस मुकाबले का टॉस जीता भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। कप्तान का पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय सही साबित हुआ, जहां भारतीय टीम के दूसरे विकेट के लिए राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल के बीच 80 रनों की साझेदारी हुई। जहां 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाकर खेल रहे राहुल त्रिपाठी 22 गेंदों में 44 रन की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन की तरफ चलता हुए, वहीं ईशान किशन एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए और उन्होंने 3 गेंदों में 1 रनों की पारी खेली। इसके बाद शुभमन गिल ने एक छोर से पारी को संभाले रखा और सूर्य कुमार यादव के साथ छोटी सी साझेदारी की, जहां सूर्य कुमार यादव ने 24 रनों की पारी खेलकर पवेलियन की तरफ चलता हुए। इसके बाद शुभमन गिल ने एक शानदार चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। कप्तान हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल के बीच चौथे विकेट के लिए 103 रनों की साझेदारी हुई, तो वही कप्तान हार्दिक पांड्या 30 रन बनाकर पवेलियन की तरफ चलता हुए, वहीं शुभमन गिल ने 126 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत भारतीय टीम का स्कोर 234 रनों तक पहुंचा और भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को 235 रनों का लक्ष्य दिया। आपको क्या लगता है यह मुकाबला कौन जीतेगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।